सदर थाना क्षेत्र के भालेलाव में 28 मार्च को अपनी मां व बहन की हत्या कर फरार हुए आरोपी को सदर थाना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर थाना प्रभारी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्यारे सुरेश कुमार चौधरी ने अपनी मां पानी देवी 55 साल एवं बहन कविता 30 साल की हत्या कर शव को गड्ढे के अंदर गाड़ दिया था और मौके से फरार हो गया था। इसको लेकर सदर थाना पुलिस ने 4 अलग अलग टीमों का गठन किया था, जिसके तहत इसे अहमदाबाद से गिरफ्तार कर पाली के सदर थाना लाया गया है, जहां पर सोमवार को सदर थाना पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। आरोपी से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। शीतला सप्तमी के त्यौहार को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर स्थित शीतला माता मंदिर के प्रांगण में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। ज्ञात रहे कि यहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं कतार में लगकर शीतला माता मंदिर के दर्शन करने आ रही हैं। इसको लेकर पुलिस उप अधीक्षक शहर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस के साथ साथ यहाँ CRPF के जवानों एवं यातायात के जवानों को भी तैनात किया गया है। वहीं निगरानी भी कैमरों के जरिए रखी जा रही है। कोई अप्रिय वारदात नहीं हो उसको लेकर यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सोजत उपखंड के पत्रकारों की बैठक सोजत रोड स्थित रामदेव वाटिका में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार संघ कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से अशोक खींचू को सोजत उपखंड पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं संरक्षक अरुण जोशी, उपाध्यक्ष रमेश भट्ट व राजेश शर्मा, सचिव बाबूलाल पंवार, सह सचिव मिठालाल पंवार, प्रवक्ता ललित तिवाड़ी, महामंत्री धनाराम परियार, कोषा अध्यक्ष जय नारायण, CA टाक, विधि प्रकोष्ठ प्रभारी दिलखुश गहलोत सहित कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नव गठित कार्यकारिणी का पत्रकार व समाज सेवी संस्थाओं की ओर से यहां पहुंचकर माला साफा पहनाते हुए स्वागत किया है। इस मौके पर नई कार्यकारिणी को लेकर बैठक के बाद में आगामी कार्यक्रम करने को लेकर भी चर्चा की गई। मारवाड़ जंक्शन के निकट तेज रफ्तार पिकअप जीप ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घायल एक व्यक्ति को पाली के ट्रॉमा सेंटर में लाकर भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार BPL कॉलोनी निवासी रतन पुत्र रामलाल मोटरसाइकिल पर मेवाट अपने परिवार से मिलने गया था। वापस लौटते वक्त पिकअप गाड़ी ने मारवाड़ जंक्शन के निकट मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। घायल को एम्बुलेंस के जरिए उपचार के लिए पाली के ट्रॉमा सेंटर में लाकर भर्ती करवाया गया है। सादड़ी थाना क्षेत्र के लाटाड़ा मार्ग के ऊपर एक थ्रेसर मशीन से 2 बाइक सवार टकरा गए, जिसमें एक युवक की मौत हुई है तथा 3 लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीपला निवासी कैलाश पुत्र विरमाराम की मौत हुई है। 3 बेकरिया मेवाड़ मठ निवासी शंकर पुत्र जालाराम गरासिया, मुकेश पुत्र अमराराम व चेलाराम पुत्र लालाराम घायल हुए हैं, जिन्हें सादड़ी के अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना को लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आबकारी पुलिस की ओर से कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी में एक मकान में सोमवार को छापा मारकर अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी अधिकारी विनोद वैष्णव के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर दौलत सिंह के नेतृत्व में दुर्गा कॉलोनी के एक मकान पर दबिश देकर 21 पेटी शराब की बरामद की गई तथा आरोपी मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया है, जिसे आबकारी पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश किया है। आबकारी पुलिस मामले को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है।